और से आप लोग पढ़ चुके कि आज होने वाला है आपका और मेरा फेवरेट हॉल वीडियो बहुत 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 टाइम के बाद मैंने प्रॉपर प्रॉपर बैठ के ना ऐसे बहुत सारे मेकअप की शॉपिंग करी है तो अभी आप लोगों को ना काफी सारे हॉल वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आएंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजोन से मंगाए हैं मार्स से मंगाए हैं और पिलग्रिम से मंगाए हैं ऑफर्स चल रहे थे तो मैंने जितनी भी शॉपिंग करी है ना मैंने सेल्स और ऑफर्स में ही करी है फुल प्राइस पे तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है सो येस लेट अस बिग इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक अट मोमेंट हिथ दैट सब्सक्राइब बटन ना विदाउट एनी फर्दर ब्लाबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इन टू वीडियो मैंने ये सारी शॉपिंग अपने लिए मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करी हुई है बिकॉज इट इज़ अ लॉट फॉर मी टू यूज़ ऑन माई ओन बट बिकॉज एज यू गैज नो दैट आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जर्नी तो उसके लिए मैं अपनी वैनिटी प्रिपेयर कर रही हूँ इसीलिए मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं बिकॉज अभी तक मेरे पास मतलब मोस्टली जो प्रोडक्ट्स थे आई वॉज यूजिंग इट ऑन माई सेल्फ पर्सनल यूज़ के लिए थे बट नाउ आई एम यू नो गेटिंग प्रोडक्ट्स फॉर प्रोफेशनल यूज़ एंड ऑल्सो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए भी मंगवाई हैं है सो यस दैट बींग सेड लेट एस स्टार्ट सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने Amazon से क्या क्या चीजें मंगाई हैं तो so सबसे पहले ऑन द टॉप आई हैव दिस डेली का ब्रश सेट अभी काफी लोग ना मुझे पूछते हैं कि कौन से ब्रशेज मैं यूज करती हूँ मैं पिछले साढ़े तीन सालों से बेली के ब्रश जो पहले प्लूम था उसके ब्रशेस एंड फोकलियोर के ब्रशेस ये तीनों के ब्रश सेट्स थे मेरे पास एंड वही मेरे अभी तक चल रहे हैं बट फॉर माय प्रोफेशनल वैनिटी मुझे न्यू सेट मंगाना था बिकॉज ए मुझे अपने ब्रशेस नहीं उसमें रखने थे बिकॉज आई वांट टू गिव माय पर्सनल एंड माय प्रोफेशनल ब्रशेज सेपरेट सो आई वेंट फॉर बेली के ब्रशेज बिकॉज दे हैव लास्टेड मी ब्यूटिफुली इतने अच्छे से ये ब्रशेज वर्क करते हैं आई लव देअर ब्रशेज मैंने बहुत ज़्यादा महंगे ब्रशेज तो नहीं यूज किए हैं बट येस प्लूम स्लेश अप्रॉश ब्यूटी है उसके ब्रशेज इससे तो डबल ट्रिपल प्राइस के हैं एंड दे आर रियली रियली गुड बट मुझे ये वाले ब्रशेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो फॉर नाउ मैं अपनी वैलिटी में यही वाले ब्रशेज रख रही हूँ देन आई गॉट दिस दिस इज क्लॉथ टेप मुझे अपने भी काम plus, भी काम आ जाएगा में रखने के लिए it makes sense. Because you never know कि किसको कब जरूरत पड़ जाए तो ये इस तरीके की strips आती double -sided tape की आती हैं हैं बहुत ही होती है. so, आप इसको किसी भी कपड़े से कपड़ा भी चिपका सकते हो या फिर अगर नेक लाइन ज्यादा डीप हो रही है न, आपको ऐसे उठा के रखनी है तो आप अपनी स्किन और क्लॉथ को भी इससे स्टिक कर सकते हो तो इट इज अ वेरी वेरी गुड परचेज मैंने इससे पहले स्लिक फिक्स की या किसी ऐसे ब्रांड की तो यूज़ की हुई है एंड आई डिड शेयर इट विद यू ऑल इन द शॉर्ट वीडियो बट इस बार मैंने ऐसे कोई बहुत ज्यादा फैंसी ब्रांड की नहीं मैंने अमेजोन से मंगाई एंड आई गॉट सो मेनी ऑफ दीज फॉर जस्ट आई गेट टू फिफ्टी और थ्री हंड्रेड रुपीज तो आई थिंक दिस इज अ बेटर परचेज नेक्स्ट आई गॉट समथिंग अगेन फ्रॉम द सेम कैटेगरी दीज आर ग्लू ड्रॉप फेविकॉल के ग्लू ड्रॉप्स मुझे नहीं पता था कि ये इतने सारे आ रहे हैं बट ठीक है ये भी काम आ ही जाएँगे uh, मांग टीका पेस्ट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ अगेन पेस्ट करने के लिए ग्लू ड्रॉप्स आर रियली रियली गुड डबल साइडेड टेप से बेटर ये काम करते हैं बिकॉज डबल साइडेड टेप ठीक होता है ऑल्सो आव ऑब्जर्व कि डबल साइड टेप स्वेट वगैरह से थोड़ा सा लूज होकर निकल भी जाता है बट दीज परफॉर्म बेटर देन दैट सो आई थॉट ऑफ हैविंग दिस ऑल्सो इन माई वैनिटी एंड ऑल्सो मेरे पर्सनल यूज के भी ये काम आ जाएगा नेक्स्ट आई गॉट दिस ये है मास्किंग टेप का सेट मैंने पूरा सेट ही मंगा लिया इसमें एक दो तीन चार पांच पांच मास्किंग टेप्स हैं मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल ये पड़ गया था सो so मैंने ये वाली थिकनेस का मंगाया है ना ये काम आता है ए ग्लिटर रिमूव करने के जैसे मैं कभी कभी मेकअप करती हूँ तो ग्लिटर रिमूव करने के लिए सेलो टेप की जो ग्लू होती है वो थोड़ी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है सो इट जस्ट टग्स एंड पुल ऑन योर स्किन सो दिस लाइक मास्किंग टेप ऐसा जो पेपर वाला टेप आता है ना जो मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ करती हूँ दिस इज़ यू नो बेटर तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया मेरे पे है रखा हुआ मास्किंग टेप बिकॉज आई डू अ लॉर्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तो मुझे मास्किंग टेप के एनी काम पड़ता रहता है बट दैट वॉज लाइक वेरी थिक तो मैंने ये पतला वाला इसलिए मंगाया कि इवन इफ आई वॉन्ट टू डू यू नो आई मेकअप जिसमें मुझे इसकी यूज है यू हैव सीन पे ऐसे टेप लगा के विंग्ड शेप में आई मेकअप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी ये ज्यादा बेटर रहेगा देन हैविंग इतना चौड़ा वाला टेप ऑन योर फेस दिस वुड बी बेटर सो आई गॉट दिस मैं सारी प्राइजेस स्क्रीन पे दिखा रही हूँ एंड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चेक कर सकते हो तो मैंने कुछ चीजें मार्स से भी मंगवाई हैं क्योंकि अगेन ऑफर चल रहा था नहीं मार्स में ऑफर नहीं चल रहा था आई थिंक आई गॉट देम फॉर फुल प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट एनीवेज मैं स्क्रीन पे दे दूंगी तो फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस मार्स के पिज्जा पफ नाउ दिज आर रियली गुड क्वालिटी मैंने इससे पहले अमेजोन के ऐसे लोकल ब्रांड के भी यूज किए हुए हैं एंड देन मैंने ब्रॉन्सन प्रोफेशनल uh, के भी यूज किए हुए हैं बट दीज आर द सॉफ्टेस्ट एंड ये काफ़ी थिक है कम्पेयर टू जो अमेजोन के लोकल ब्रांड मैंने मंगाया था वो काफ़ी थिन थे दे परफॉर्म रियली रियली गुड बट इसको छू के मुझे पता चल रहा है दट दिस इज बेटर इन क्वालिटी देन दैट ब्रॉन्सन वाले भी सेम ऐसे ही थे तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं बट वॉज इन पिंक कलर सो आई गॉट इट पिंक कलर ये मुझे काफी ज़्यादा पसंद आ रहा था। Then I got these two things from Mars. ये दोनों ही सेम चीजें हैं अलग अलग शेड्स में लेट मी शो यू ये इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं दीज आर मार्स एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर्स एंड दिस इज वे लुक लाइक तो इसमें टेन का सेट आता है एंड ऐसे ही दो सेट्स आते हैं एक में आपको शेड रेंज मिलती है वन टू टेन एंड देन दूसरे में आपको शेड रेंज मिलती है इलेवन टू ट्वेंटी सो बेसिकली ये बीस अलग अलग शेड्स के लिपलाइनर्स हैं एंड ऑल्सो अगर आप किसी और ब्रांड से कंपेयर करो जिनके एक एक लिप लाइनर ढाई सौ तीन सौ के आते हैं सो आई थिंक दिस इज अ बेटर परचेज आई थिंक मुझे थाउजेंड के अराउंड में ये दोनों सेट्स पड़ गए थे like लाइक ट्वेंटी पर लाइनर सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी नाइन के अराउंड एक आता है सो इट इज ए वेरी वेरी अफोर्डेबल मेरे पास सेम यही वाले आ, लिप लाइनर स्विस ब्यूटी के भी रखे हुए हैं एंड दे परफॉर्म रियली गुड बट आई हैव हॉट बेटर रिव्यूज अबाउट दिस तो मैंने सोचा कि मैं

इसमें सेल चली थी बाय थ्री फोर नाइन 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 आई गेस उस सेल में से मैंने ये तीन चीजें पिक करी हैं अगेन ये तीनों चीजें मैं अपने ऊपर तो बहुत पहले यूज कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत पसंद है सो आई गॉट देम फॉर माई वैनिटी अगेन एंड आई विल यूज देम ऑन माई सेल्फ इज वेल बिकॉज वाई नॉट फर्स्ट इज दिस ट्वेंटी फोर के गोल्ड सीरम

चंगस ऑफ गोल्ड आपको दिखेगा अपने स्किन पे बट इट गिव सच अ ब्यूटिफुल ग्लो टू यूर स्किन तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो ऑयली कॉम्बिनेशन यू कैन गेट दिस गोल्ड सीरम इट इज़ सो गुड इवन ड्राई स्किन वालों पर काफ़ी अच्छा काम करेगा बिकॉज इट हैज़ नाइसमाइट एंड हाइलोरॉनिक एसिड सो इट इज़ रियली गुड बट इफ़ यू हैव लाइक एक्सट्रीमली ड्राई सहारा डेजर्ट वाली स्किन यू कैन गेट दिस दिस इज द ट्वेंटी फोर के फेशियल ऑयल ब्यूटी ऑयल एंड निरोली ऑयल ये कहता है कि इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड मैंने इसको एक दो बार लगा के भी देखा है इट डज़ नॉट फील चिपचिप ऑन माई स्किन बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगता है एड इट अब्जोर्ब इन टू द स्किन ब्यूटिफुल एंड मेरी ऑयली स्किन है जब ये मुझे थोड़ा सही लगा तो आई थिंक ये बाकी स्किन को तो अच्छा ही जमेगा इट एज अ वेरी ब्यूटिफुल कंसिस्टेंसी तो मेकअप से पहले अगेन अगर आपकी ड्राई एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप इसको लगा हाइलोरॉनिक एसिड सीरम मेरा हाइलोरॉनिक एसिड सीरम खत्म भी होने वाला था तो मैंने इसलिए भी मंगा लिया है बट ऑल्सो आई विल गेट अनादर वन ऑफ दिस फॉर माई वैनिटी बिकॉज इसका हाइलोरॉनिक एसिड सीरम अच्छा है इट गिव्स प्लम्प स्किन मतलब थोड़ा थीक है इट इज नॉट वेरी वॉटरी एंड इट गिव्स अ गुड रिजल्ट अच्छे से आपकी स्किन को प्लम्प कर देता है हाइड्रेट कर देता है तो उसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे से ग्लाइड भी होता है एंड प्लस जब आप पूरा मेकअप कर लेते हो तो आपकी स्किन में से ड्राई केकी सी भी नहीं लगती है सो दिस सीरम इज वेरी वेरी गुड फॉर दैट तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पिलग्रिम वाली सेल एंड दिज आर ऑल द प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम मार्स एमेजोन एंड पिलग्रिम इसके बाद की जो हॉल वीडियोज़ आने वाले उसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा मेकअप शेयर करने वाली हूँ सो स्टे टून फॉर दोज एंड मैंने डिफरेंट वेबसाइट से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं तो उन सबके शॉपिंग एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आई होप यू ऑल आर टू अगर आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिस स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय